भाई कार्टून लग रहा है। YouTube चैनल आज मैं आई हूँ अपने फ्रेंड्स सबके साथ मौजोलैंड में एक्सप्लोर करने। यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, एक ही जगह पे आप क्या क्या चीजें एंजॉय कर सकते हो। आपने अब तक सुना नहीं होगा कि आप एक ही जगह पे चार चार चीजें एंजॉय कर सकते हो, आप सही सुन रहे हो। आज मैं आई हूँ मौजोलैंड। मौजोलैंड में आप वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, एडवेंचर पार्क, स्नो पार्क, चार चार चीजों का मजा ले सकते हो एक ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ एक ही जगह पे। काफी अच्छा होने वाला आज का जो हमारा टूर होगा। अंदर चल के मैं आपको सब चीज दिखाऊंगी, डिटेल में सब बताऊंगी, प्राइस वगैरह क्या होगा यहाँ का। तो वीडियो को आप लोग एकदम एंड तक देखना। जैसे आप लोग यहाँ पे आओगे ना तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएगा, ऐसे आपको टिकट काउंटर है और ऐसे ही यहाँ पे आपको ओपन पार्किंग मिल जाएगी, सारी ओपन पार्किंग है। चलते हैं टिकट काउंटर पे और मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ क्या क्या प्राइस है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। फ्रेंड्स ये यहाँ का टिकट काउंटर, आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने सारे प्राइजेस मेंशन किए हैं, साथ ही यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन है 10:30 to 7:15 PM यहाँ की स्नो टाइमिंग होने वाली है। और बाकी आप प्राइजेस वगैरह भी यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको अंदर मिलने वाली है वो भी देख सकते हो। यहाँ पे भी इन्होंने प्राइजेस मेंशन किए हैं फॉर चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन एंड अडल्ट के लिए भी। आप अगर कॉम्बो लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। जैसे आप एंटर करोगे ना आपको इस टाइप की टोयो ट्रेन मिल जाएगी और ये आपको जोनसी पार्क में आपको जाना है तो वहाँ पे ड्रॉप कर देगी। वाटर पार्क की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। अगर आप लोगों ने वो अब तक नहीं देखी तो जाके उसको देख लेना। वाटर पार्क की मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी है उस वीडियो में। भाई हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया वाटर पार्क में, अब हम जा रहे हैं स्नो पार्क में। यहाँ पे ना चार चार चीज़ें, तो अभी हम वन बाय वन एक एक चीज़ में जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमने वाटर पार्क कवर किया था, अब हम सेकेंड जा रहे हैं स्नो पार्क। ये फ्रेंड्स यहाँ का स्नो पार्क, अगर आपको बस इसी में जाना है तो इसकी टिकट आपको मिलेगी 600 फॉर अडल्ट, चिल्ड्रेन एंड सीनियर सिटीजन के लिए इसकी टिकट होगी 500 रुपीज़। साथ ही यहाँ पे इन्होंने टाइम भी मेंशन किया, आप टाइम भी रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे अंदर ना स्नोफॉल भी होती है तो आप उसका टाइम भी देख सकते हो। तो करोगे ना सबसे पहले आपको वहाँ पे अपने शूज सबमिट करने हैं, शूज रखकर। जैसे ही आप अपने शूज रिमूव करोगे तो आपको राइट हैंड साइड में ये एंट्री गेट मिल जाएगा। एंट्री करते ही आपको यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट्यूम लेने होंगे, इस टाइप के आपको यहाँ पर शूज मिलेंगे, जैकेट मिलेगी आपको, आपको ग्लव्स मिल जाएंगे। तो पूरा कंप्लीट कॉस्ट्यूम आपको यहाँ पर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो अंदर आपको मिलेगा -10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। बाहर ही इन्होंने सब इम्पोर्टेंट गाइडलाइन मेंशन किए तो आप वो भी अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। आपको अंदर अपने कोई भी कॉस्ट्यूम या शूज रिमूव नहीं करने हैं तो आप वो अच्छे से यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। और अंदर का जो एरिया है वो स्लीपी हो सकता है तो आपको थोड़ा देख के ही वॉक करना है वहाँ पे। ये फ्रेंड्स एंट्री गेट, चलते हैं अंदर। भाई खुल ही नहीं रहा, ओ भाई बहुत भारी है। देखो फ्रेंड्स अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली, काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वीडियो क्लिप पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये यहाँ का आप कंप्लीट व्यू देख सकते हो, हर तरफ आपको स्नो स्नो मिलेगी। काफ़ी सारे लोग हैं, आप देख सकते हो कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया और मस्त एरिया है यहाँ पे। इस टाइप की स्लाइड्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपको ये ट्यूब अपने साथ ऊपर लेके जानी होगी। प्रोसेस में स्नोमैन बना रही है, बढ़िया बनाना, ठीक है, अपने जैसा अच्छा सा। ये है भाई दीदी का स्नोमैन, बना ही नहीं। ये देखो ये है ड्रामा स्नोमैन, ये इसकी आईज और ये इसकी नोज, काफी बड़ा और काफी अच्छा है ये, तो आप देख सकते हो। और लोग भी यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ पर आओ। साथ ही आपको यहाँ पे लाइव डीजे भी मिल जाएगा, हर टाइप के सॉन्ग उसमें प्ले होते हैं, लाइक हरियाणवी, पंजाबी, हर टाइप के सॉन्ग। जैसे ही आप बाहर आओगे तो यहाँ पर आपको अपनी जैकेट और ग्लव्स रिमूव करने होंगे और यहाँ पर आपको अपने शूज़ ड्रॉप करने होंगे, तो आपको बाहर ही मिल जाएगा। और थोड़ी देर ना ये लोग आपको यहीं पर रोक लेते हैं ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर जो थोड़ा मेनटेन हो जाए। जैसे आप यहाँ से बाहर आओगे इस टाइप का आपको फूड स्टॉल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवेंचर पार्क, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाले, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर है। एंटर करते ही आपको सबसे पहले ये वाला एरिया देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जिप लाइन, वॉल क्लाइंबिंग, लो रूप कोर्स, हाई रूप कोर्स, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। वन बाय वन चलो हम भी करते हैं कुछ ना कुछ तो ट्राई यहाँ पे।
कैसे लग रहे कार्टून लग रही है भाई, हम जा रहे हैं शिप लाइन के लिए और ऐसे रेडी होना पड़ा है। ये क्या भैया लोग लेके ऊपर, भाई ये भी लेके जाना है भाई, कार्टून लग रही ना पता है, हमें जाना है जिप लाइन के लिए तो उसके लिए हमें ऐसे रेडी वेडी होना पड़ा है। भाई क्या मस्त पार्क है यार, सब चीज़ बहुत बढ़िया, स्नो पार्क, वाटर पार्क, अब हम आए हैं यहाँ पे अम्यूजमेंट और एडवेंचर पार्क में, सब चीज़ एक नंबर है यार। आप भी आओ, पूरा एक दिन तो निकाल कर आना पड़ेगा, मतलब चार चार चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आपका ना पूरा एक दिन तो यहाँ पे लगने वाला है, तो पूरा फुल डे के लिए आप लोग फ्री होकर आना यहाँ पे। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ की जिप लाइन, जिप लाइन का एक्सपीरियंस तो काफ़ी मस्त था। अब हम करेंगे यहाँ पे और बाकी जो यहाँ की एक्टिविटीज़ है वो, तो सबसे लंबी जो एक्टिविटी है वो यही वाली है और सबसे डिफ़िकल्ट भी यही वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे बीच में ड्रॉप नहीं कर सकते हो, अगर एक बार आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया तो आपको कंप्लीट ही करनी पड़ेगी। ये सब जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, केयरफुली एकदम आपको ये सब करना पड़ेगा, पर मज़ा आप लोगों को बहुत आने वाला है, तो थोड़ा डेयरिंग भी होना पड़ेगा यहाँ के लिए। नेट वाली एक्टिविटी के बाद आपको इस टाइप की टायर वाली एक्टिविटी करनी होगी यहाँ पर, इसमें भी सब बैलेंस का खेल है, मेन जो यहाँ पे सब चीज़ें वहाँ पर बैलेंस का ही खेल है। ये देखो और भी लोग आ रहे हैं यार, पता है इसको ना आप बीच में नहीं ड्रॉप कर सकते, मतलब आपको वहाँ से ये स्टार्टिंग होती है, फिर ये आएगा आपका नेट वाला और फिर ये टायर वाला, तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये है, तो इस पे देखो आपको इस तरह से चलना है, बीच आप स्किप नहीं कर सकते, आपको कंप्लीट ही करना पड़ेगा, तो आप इसको सोच समझ के करना। यार ये तो मुश्किल है भाई, ये वाला मुश्किल है, मैंने तो बोला ही था बैलेंस बना के चलना हो, इसमें कुछ पकड़ने का भी नहीं है ऊपर। कैसे जाऊं उसमें? चल रहे हो। पकड़ने का तो है ही नहीं कुछ। बीच वाला पोड़ो, बीच वाला। पैर घुमा लो। हाँ। साइड वो करो, साइड वो। ठीक है अब? अब आगे वाला पोड़ो, आगे वाले रस्सी। हाँ, पीछे पैर सीधा करो आगे, और आगे वाली पकड़ो। वो अपने आप चलता रहेगा। साइड वॉक ही करियो, ये छोटे वाला ये ऐसे ही हो जाएगा। बस हो गया डांस। सेंटर में पैर को लग दीजिए, सेंटर में नहीं तो आगे पीछे। हेलो मैडम, ऐसे पैर रखो, लकड़ी पे ऐसे पैर रखो। हाँ, पैर चेंज करो आगे, डायरेक्ट राइट वाले पे पैर चेंज करो, सेंटर में लकड़ी के सेंटर में, और हैंड चेंज करो, तो लग रहा है तो अभी हैंड चेंज करो, गुड, थोड़ा हाइट से पकड़ो, इसी को हाइट से ऊपर से पकड़ थोड़ा। हाँ हाँ, थोड़ा ऊपर से पकड़। हाँ, शोल्डर के ऊपर पकड़ो। यार मेरे दोस्तों ने मुझे ऊपर अकेले भेज दिया मरने के लिए, नीचे आराम से चिल खड़े भाई। पर यार मजा आ रहा है, एक नंबर है ये वाला तो, इजी है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें जस्ट आपको क्रॉल कर करके इसको क्रॉस करना है, बहुत इजी है ये वाला तो। हैंड फ्री करके भी चल सकते हो, ये रस्सी पकड़ के चल सकते हो। आगे पीछे किसी को देखते हैं, उधर तू नहीं जा सकते हो, अंदर जा सकते हो, ऊपर है भैया, वो किसी आप हैंड फ्री करके चलना है एक में। फ
फाइनली दोस्तों मेरा ये कंप्लीट हो गया। इसमें ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो मेरे को अब 30 मिनट्स अराउंड लगे होंगे या 25 मिनट्स अराउंड लगे होंगे। तो आपने ये चीज़ सबसे बाद में करना, वरना आपकी जो बाकी की चीज़ें हैं ना वो रह जाएगी। पर इसमें मज़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत मस्त है भाई, एक नंबर है। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो ना तो वाटर पार्क की टिकट लेना, और साथ में इसके तो ज़रूर लेना। मतलब आप कुछ भी ले रहे हो पर इसके ज़रूर लेना यार, बहुत मस्त है। इस टाइप से ना आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम ट्राई करेंगे यहाँ की वॉल क्लाइंबिंग। इसमें ना आपको एकदम टॉप तक जाना होता है। रस्सी पकड़ ले। अब नीचे आएगी तू। इस टाइप में देखो आपको चिल्ड्रन एरिया मिल जाएगा यहाँ पे, चिल्ड्रन का एडवेंचर एरिया है यहाँ पे। तो बच्चों को भी आप लेकर आ सकते हो, और ये भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। फ्रेंड्स हमने वाटर पार्क कर लिया, स्नो पार्क भी कर लिया और एडवेंचर पार्क भी कर लिया। अब हम जा रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क में। ये देखो ये है एंट्री गेट। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। इस साइड की राइड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बच्चों के लिए आपको फ्रॉग वाली राइड यहाँ पर मिल जाएगी। मैं आपको एक बार आके सजा के दिखा देती हूँ। ये देखो इस साइड ये सारी बच्चों की। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे ये वाली राइड, ये पूरा ना गोल गोल घूमता है। ये देखो भाई हम कितने ऊपर है। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है। अभी स्टार्ट होने हो गया क्या? स्टार्ट हो गया। हाँ हो गया भाई। यार अभी से क्यों डर रहे हो? अभी तो नहीं, पर यार मजा आएगा यार। इसमें तो नहीं लग रहा, लेकिन ना तो डर नहीं लग रहा। अभी हम हवा में घूम रहे हैं और लाइट भाग गई यहाँ की, तो आप सोच समझ के करना भाई, यहाँ पे लाइट भी भाग जाती है। अरे ऐसा कुछ नहीं, अभी एक मिनट में आ जाएगी, एक मिनट में आ जाएगी ना। पक्का पक्का, यहीं पर नहीं बैठे रह जाएंगे हम। उतर ही जा सकते हैं यहाँ से तो जाए। भाई भैया बोल रहे जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे कर सकते हो। ये देखो ज्यादा ऊपर नहीं है, अभी तो इतना है, हम तो नीचे आ गए। तेरे को मजा आया भैया? कह रहे तुम यही रहो आज। भाई लाइट भाग गई थी, हम तो नीचे थे तो उतर गए, और ये अभी हवा में ही है। राइट बोलते हैं ब्रेक डांस, डिस्को डांस। अब हम करना है डिस्को डांस। ओए अब यहाँ पे करियो डांस तू, ठीक है? रुकना नहीं चाहिए भाई तेरे हाथ। देखना अभी सुनना है कितना डरेगी ना, इतनी डरपोक है भाई, इतनी डरपोक है। ये राइड्स में भी डर रही थी, इसने एक दो राइड्स ही लिए, ज्यादा राइड्स भी नहीं लिए। असलियत बता रही हूँ ना तेरी, पैसे बर्बाद करे हैं तूने आज, एक भी राइड्स नहीं ली। निकल गई पीछे। इस टाइप की ना और भी आपको राइड्स मिल जाएगी यहाँ पे, रेलगाड़ी वाली राइड आपको मिल जाएगी। और देखो जैसे आने वाले टाइम में ना आपको यहाँ पे कार वाली ड्राइव भी मिलेगी, मतलब आप कार भी ड्राइव कर सकते हो। तो ये अभी यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है, अभी ये सब देखो नहीं है। भाई यार मजा आ गया, इतना तगड़ा वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, स्नो पार्क, एडवेंचर पार्क, सब चीज़ एक नंबर है। इतना इन्जॉय किया ना हमने, सुबह से आए हुए हम 11 बजे से यहाँ पे आ रखे हैं, 11 बजे ओपनिंग हो जाती है और शाम को 7 बजे तक ये चलता है। तो
हम सुबह ही आ गए थे 11:15 बजे के अराउंड और अब आप देख सकते हो 7 बज रहे हैं भाई, हम 7 बजे तक यहीं पे हैं। खूब इंजॉय किया, फुल मौज मस्ती। फ्रेंड्स होप आपको अच्छी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना और जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हो आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लेना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।